हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट द ऑफिशियल चैनल ऑफ विश्व भारती शिक्षा सदन बिहियाँ चौरस्ता। वंस अगेन आई एम हियर विद द टॉपिक ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर द क्लास 7। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है। सो लेट्स डिफाइन इट, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर पाते हैं, सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये अपना भोजन तैयार कर पाते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक आपका फोटो, जिसका मतलब लाइट होता है यानी प्रकाश, और दूसरा टर्म है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, टू प्रिपेयर समथिंग। तो फोटोसिंथेसिस का शाब्दिक अर्थ जो होता है कि प्लांट सनलाइट का इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके, वाटर का इस्तेमाल करके, क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके वो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट याद रखेंगे, एग्जाम्स में बार बार आते हैं। फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। पौधों का फूड फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स, लीव्स को कहा जाता है, क्योंकि प्लांट का जो भोजन तैयार होता है वो लिप्स में होता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सेम क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किस पार्ट में होता है, प्लांट के किस पार्ट में होता है? तो वो आपको याद रखना है, लिप्स में ही होता है। किचन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का रसोई घर किसे कहा जाता है, ये भी सवाल पूछा जाता है, तो ये आपको बताना है लिप्स। स्टूडेंट, यहाँ पर एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि प्लांट्स के केवल एक ही पार्ट में फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, यानी लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस क्यों होता है? तो प्लांट के लीव्स में एक स्पेशल पिगमेंट पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी मदद से प्लांट अपना भोजन तैयार कर पाता है, और वो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। स्टूडेंट, क्लोरोफिल वो स्पेशल पिगमेंट होता है जिसकी मदद से प्लांट्स अपना भोजन जो है वो तैयार कर पाता है। तो यही कारण है कि जो क्लोरोफिल होता है वो प्लांट्स के लीव्स में पाया जाता है, और इसी वजह से प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लीव्स के अंदर होता है। एक और टर्म के बारे में हम लोग जानेंगे, स्टोमाटा। लीव्स हैव सेवरल टाइनी पोर्स ऑन लोअर सरफेस। प्लांट्स का जो लीव्स होता है उसके लोअर सरफेसेस पर बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, उन्हीं पोर्स को स्टोमाटा कहा जाता है। प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होता है उसके लोअर सरफेस पर बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, उन्हीं पोर्स को स्टोमाटा कहा जाता है। और ये स्टोमाटा का आपका स्ट्रक्चर होता है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग यहीं से होता है स्टोमाटा का, जिसके द्वारा एयर या जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स के पत्तियों के अंदर जाता है और बाहर आता है। ये जो यहाँ पे आपका फूला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये गार्ड सेल है जो स्टोमाटा को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे रॉ मटेरियल। हम सभी जानते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ को तैयार करना होता है तो कोई ना कोई रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, किसी न किसी रॉ मटेरियल की
ज़रूरत होती है। तो फोटोसिंथेसिस में जो जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है वो होता है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आपका क्लोरोफिल। ये चार चीज़ें हैं जिनके द्वारा प्लांट जो होता है वो अपना भोजन स्वयं तैयार कर पाता है। तो सनलाइट जो उसे सनलाइट सन से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस होता है उसके द्वारा प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। थर्ड वाटर जो है वो सॉइल के द्वारा, प्लांट्स के जो रूट होते हैं उसके द्वारा वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और फोर्थ जो आपका क्लोरोफिल होता है वो प्लांट्स के लीव्स में मौजूद होता है। तो इन चारों रॉ मटेरियल की मदद से प्लांट जो होता है वो अपना भोजन स्वयं तैयार कर पाता है। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही।